हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मसाला टी जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और मसाला टी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 स्पून काली मिर्च, 1 स्पून लौंग, इलायची और ये दालचीनी है, ये दालचीनी के 5-6 टुकड़े मैंने लिए हैं, और ये है ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सूखी हुई अदरक जो होती है उसका पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूखी हुई अदरक को पीस करके उसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये सारे मसाले हैं, तो ये मसाले हैं जिनसे हम चाय का मसाला बनाएंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सिंग जार लिया है और उसमें मैं बारी बारी से सारे मसाले डाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना कि मैंने सारे मसाले 1-1 चम्मच लिए हैं, और ये ड्राई जिंजर पाउडर है ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। और अब इन सब का हम एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे, और ये देखिए मैंने पाउडर तैयार कर लिया है, इतना बारीक करें। अगर आप चाहें तो आप इसको और भी ज़्यादा बारीक कर सकते हैं, इस तरह से आप सारे मसालों का पाउडर बना लें। और इस तरह से हमारा मसाला रेडी है चाय के लिए। तो आइए अब हम चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी लिया है, और पानी को अब हम खौलने देंगे, और जब पानी खौलने लग जाएगा तब उसमें हम डालेंगे चाय की पत्ती, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। मसाला यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच लिया है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, 1/4 चम्मच मैंने मसाला डाला है। अब उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी, चीनी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ली है, और इसको थोड़ा खौलने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध, और दूध डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक हम खौलाएंगे। फ्रेंड्स, चाय जितनी ज़्यादा खौलती है उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है, तो चाय को थोड़ा 5 से 7 मिनट का आप टाइम दें खौलने के लिए, तो आपकी चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये चाय जो है वो खौल चुकी है, अब इसको हम कप में निकाल लेंगे। और इस तरह से हमारी मसाला टी बनकर रेडी है। आपने देखा, इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है, तो आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, मसाला टी बना के ज़रूर पीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर जरूर करें।